हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग आए हुए हैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे कैंपिंग करने के लिए। आज ये हमारा ना पहला एक्सपीरियंस है कैंपिंग का, तो हमने सोचा कि एक बारी जाके एक्सपीरियंस करते हैं। और सिर्फ आज हम डे डे में ही कैंपिंग करेंगे। जब धीरे धीरे हम लोगों को ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग नाइट कैंपिंग का प्लान करेंगे। तो अभी हम जिस लोकेशन पर आ रखे हैं, व्यू देखो एक बार। देखो, बिल्कुल रिवर साइड है, पूरी रिवर जा रही है। और यहाँ पूरी ये रेत इकट्ठी हो रखी है, बारिश है। तो इस कैंपिंग में मैं हूँ और मेरे साथ विक्की आया हुआ है। तो हम दोनों कैंपिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग कैंपिंग करते हैं, फिर आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपना टेंट वगैरह जो है वो असेंबल करते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा। तो हम लोगों ने अपने टेंट असेंबल कर लिए हैं। ये रहा मेरा टेंट और ये रहा विक्की का टेंट। तो अभी हम लोग आग जलाने का अपना जुगाड़ कर लेते हैं। और विक्की, हमारा हथियार कहाँ निकालो। तो हमारे पास जो टूल्स हैं, हमारे घर के जो पहाड़ में जो टूल्स होते हैं, हम वही कैरी कर रहे हैं अपने साथ। कोई ऐसा हाईफाई टूल्स नहीं है। तो हम लोग अपनी पहाड़ी कुल्हाड़ी लेके आए हैं, ये रही। तो जाके हम लोग आग जलाने का अपना कोई जुगाड़ कर लेते हैं, चलें। लकड़ी देखी थी वैसे तूने रास्ते में कहीं? चलिए हटिए। पानी पी रही लकड़ी पूरी, ये हो जाएगा। ये थोड़ा जलाने में भी दिक्कत होगी। ओए, चलें क्या? इधर जलाते हैं। बस ठीक है, वो थोड़ी सी आड़ हो जाएगी। अब विक्की भाई, जलाने का जुगाड़ करो इसे। तब तक मैं अंदर अपना सामान असेंबल कर देता हूँ, ठीक है? विक्की भाई, हाँ, आपने सारा धुआं कैंप के अंदर भर दिया। थोड़ा धुआं तो लगेगा ही, जलने में दिक्कत हो रही है। तो हमारा ना लगभग सारा सेटअप हो चुका है और आग भी जला दी है। अभी बस अब सिर्फ खाना वाना बनाते हैं कुछ, क्योंकि बहुत देर से हम लोग घूम रहे हैं और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कुछ बना लेते हैं। और पहला दिन है कैंपिंग का, पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। विक्की, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पर आग भी जला दी है, अभी थोड़ा हवा है, धीरे धीरे जल रही है।
तो तब तक हम लोग अपना शूज़ वगैरह रिमूव करके उसके बाद खाने का सेटअप देखते हैं कि अंदर लगाना है या बाहर करते हैं, क्योंकि बाहर हवा है थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या उसमें हवा का डायरेक्शन रहता है। खाना कहाँ बनाएंगे? खाना यहाँ सेंट बाहर ही बनाए, बाहर या अंदर? सेंटर में बाहर बनाते हैं, सेंटर में। तो एक प्लेन सा पत्थर ले आता हूँ मैं, विक्की पानी लिया मैं, तब तक प्याज और वो कट कर देता हूँ, ठीक है? एक पतीले में पानी निकालना, टमाटर भरेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे। देखिए चाय का सामान वहां पर रखा हुआ है, दूध नहीं है। ओह शिट, दूध तो लाए नहीं यार हम। कोई बात नहीं, ऐसे फीकी चाय पीनी पड़ेगी। अभी क्या है ना, नया नया एक्सपीरियंस है हम लोगों को, अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे चीजें करते जाएंगे ना, तो हमें आइडिया आता जाएगा कि हम लोगों ने साथ में क्या क्या चीज कैरी करनी है, ठीक है? अगली बार से आइडिया हो जाएगा। चाय भी उबल गई हमारी, बन गई है, पर दूध होता ना मजा आ जाता। कोई बात नहीं, अगली बार जंगल में नदी के किनारे ब्लैक टी के मजे। विक्की, मैंने अपना स्लीपिंग बैग तो बिछा दिया है। तो फाइनली हम लोगों की मैगी भी बन गई है, और अब आराम से नेचर के साथ बैठ के हम मैगी एंजॉय करेंगे, और आप लोग भी एंजॉय करो वीडियो के साथ। तो ये हमारी मैगी यहाँ पर रेडी है। मज़ा आ रहा है विक्की? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी एंजॉय करो और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग ना जिस लोकेशन पे अभी कैंपिंग करने आए हुए हैं, एक बारी मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ, कितना प्यारा है। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, वो हमारा कैंपिंग एरिया है, और नीचे एक बगल में साथ में यहाँ से रिवर बह रही है पूरी। तो ये नदी जो है ना, ये बहुत गहरी है, इसमें नीचे कुछ दिख नहीं रहा और काला सा पानी हो रहा पूरा। और अभी हम लोगों ने मैगी बना के तो खा ली है, अब विक्की बर्तन वगैरह पैक कर रहा है। और यहाँ पे ना फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, देखो आराम से पत्थर के ऊपर चढ़ के फोटो शूट करवा सकते हैं और एकदम नेचर के मजे ले सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता। इस एरिया में वैसे लग तो बहुत अच्छा रहा है ना, क्योंकि रेत रेत के ऊपर चलने में भी मजा आ रहा है, और वैसे थोड़ी ठंड सी भी होने लग गई है, शाम हो गई ना, तो थोड़ी ठंड सी भी हमें फील हो रही है। तो अभी आग जलाते हैं, थोड़ी देर आग वाग सेकेंगे आराम से। तो विक्की ने पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे पैर पोछने के लिए, क्योंकि यहाँ रेत ही रेत है, तो पैर पोछ के टेंट के अंदर सीधा।
बाय। तो ये टेंट से कुछ ऐसा व्यू है सामने, बिल्कुल नदी बह रही है साथ में ही, और यहाँ पे हमने आग जला रखी है, और ये बिक्की यहाँ लेटा हुआ है, और हमारे पास सामान रखने के लिए यहाँ पे बहुत स्पेस है। और पीछे भी इस टेंट में यहाँ पे लाइट वगैरह हम लोग हैंग कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे पास है नहीं। और यहाँ पीछे सब सामान रखने के लिए है ये स्पेस, हम लोग अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए ना, कुल मिला के मतलब टेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और हमारा आज का पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। विक्की, हाँ, कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत तो ही आप मजा लोग आ भी रहा ना है। कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि मतलब आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देख के। हाँ हम लोग अभी इस चीज़ में नए नए हैं, हमारी कैंपिंग की पहली वीडियो है, तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। तो अब धीरे धीरे शाम हो गई है, हम लोग भी अपना टेंट वगैरह पैक कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ दिन दिन की कैंपिंग की है, और किसी दिन हम लोग करें, अभी हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर अगर जैसे ही हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग नाइट कैंपिंग भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल पैकअप करते हैं। फाइनली हमारी पैकिंग सारी हो गई है, और अंधेरा भी बहुत हो गया, हम लोगों के पास ना लाइट का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे ना कुछ भी मतलब ऐसा कचरा नहीं फैलाया, और प्रकृति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। देखो, जो चीज़ जैसे थी एज इट इज़ है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ा। यहाँ हम लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए थे, तो वो सब हमने पैक कर दिए, बिक्की पैकिंग कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो क्या करना ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी और ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो विक्की, चलिए, बाय। हो गया पैकअप।